वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में होटल वेस्टा में इंडियन रेलवे टिकट ट्रैकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जयपुर मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे का जोनल अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अधिवेशन में टीटीओ की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और अपनी 13 मांगों को लेकर सांसदों को ज्ञापन भी सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष विनोद तिवारी ने बताया कि टिकट चेकिंग स्टाफ को आए दिन असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ता है और जिनसे निपटने के लिए पर्याप्त आरपीएफ जीआरपी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मौके पर एडीआरएम हरीश चंद्र मीणा, एडीआरएम रघुवीर प्रसाद मीणा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरफूल चौधरी, सेंट्रल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एनडब्ल्यूआर की जोनल का अधिवेशन है, जिसमें चारों डिवीजन जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडल आए हुए हैं। सामने हमने दिन प्रतिदिन जो आने वाली समस्याओं को उठाया है और उनका समुचित निदान उनसे मांगा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र से शीघ्र आपकी मांगों को, जो व्यवस्था संबंधित मांगे हैं, वो शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंडियन रेलवे चल टिकट निरीक्षक जो हैं, आज उनका ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन था और उसमें आपने अपनी समस्याओं के संदर्भ में खुद भी विचार विमर्श किया है और हमारे सामने भी ज्ञापन आया है। उसमें जो भी इनकी खास खास मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, हम उनका रेल मंत्री जी के सामने और जो चेयरमैन हैं उनके सामने प्रस्तुत करके उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे।